फैमिली प्लानिंग या बच्चों के दरमियान वक्फा ना सिर्फ एक सेहतमंद माशरे का जामिन है बल्कि ये माँ और बच्चे की सेहत की गारंटी भी देता है। फैमिली प्लानिंग या वक्फे के तरीकों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और उस सेशन में बहुत से तरीकों के बारे में बताया गया था कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और वो उन सब का इंट्रोडक्शन था। अभी जो सेशंस रिकॉर्ड होंगे ऑनवर्ड्स उनमें मैं आपको इंडिविजुअली एक एक तरीके के बारे में बताऊंगी। माशरे में बैलेंस लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली सिस्टम या फैमिलीज़ बैलेंस्ड हों और ये बैलेंस सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर दो बच्चों के दरमियान एडिक्वेट वक्फा होगा। बहुत से पेशेंट्स ने उस इंट्रोडक्टरी सेशन में ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहिबा हमें बताएं कि दो बच्चों के दरमियान कम अज़ कम कितना वक्फा होना चाहिए जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहतरीन हो। अगर बच्चों के दरमियान में वक्फा एडिक्वेट नहीं है तो उसकी वजह से माँ खून की कमी यानी अनीमिया, हड्डियों में कैल्शियम की कमी और बहुत से जो इम्पॉर्टेंट वाइटमिन्स एंड मिनरल्स हैं उनकी कमी का शिकार हो जाती है। आप सब ये बात जानते हैं कि एक डेवलपिंग फीटस या एक डेवलपिंग बच्चा अपनी तमाम तर खुराक माँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और अपनी डेवलपमेंट या अपने बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अब माँ ने जो डेफिशिएंसीज हैं या जो कमियाँ हैं पहले उनको पूरा करना है और फिर उसने नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एंटर होना है ताकि जो अगला बच्चा है उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। सपोज़ अगर एक खातून एक बच्चे की पैदाइश के एक साल के अंदर अंदर दोबारा कंसीव कर लेती हैं तो इसका मतलब ये है कि पिछली प्रेगनेंसी में और पिछले हमल के दौरान उनके अंदर जितनी भी कमी चीज़ों की वाकया हुई थी वो दोबारा से बैलेंस आउट नहीं हुई और वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस माँ के अंदर खून की कमी, कैल्शियम की कमी किस कदर ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी और आने वाला जो दूसरा बच्चा होगा वो भी इन कमियों का शिकार होगा क्योंकि वो एक सेहतमंद माँ से तमाम तर चीज़ें हासिल नहीं कर पाया। यही वजह है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि फैमिली साइज़, नो डाउट आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपना फैमिली साइज़ कितना रखना चाहते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा डिलीवरी हो जाए तो उसके दो साल के बाद आपने दोबारा कंसीव करना है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पेशेंट्स जो कि ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा एक दफ़ा डिलीवरी हो गई है अब दोबारा दो साल के अंदर अंदर कंसीव कर लेना है या एक साल के बाद करना है या कब करना है, उनको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आउट हो गई है कि जब एक दफ़ा डिलीवर हो जाती है खातून तो उसके दो साल तक, वैसे भी इस्लाम में इस चीज़ का हुक्म है कि माँ अपने बच्चे को दो साल तक फीड करवाए, ब्रेस्ट फीड करवाए, और आप सब ये बात जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है जब तक कि वीनिंग यानी साथ में बच्चे को कुछ ठोस गिज़ा खिलाना ऐड नहीं होता। दो साल तक दूध पिलाने का हुक्म ये इसी वजह से है ताकि जब थर्ड सेकेंड प्रेगनेंसी हो या अगली दफ़ा खातून प्रेगनेंसी को प्लान करे तो वो दो साल के बाद हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में आप इस बात को समझ गए होंगे कि दो प्रेगनेंसीज़ के दरमियान में कितना वक्फ़ा है जो कि माँ और बच्चे की तंदुरुस्ती और सेहत का ज़ामिन है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कॉन्ट्रासेप्शन या बच्चों के दरमियान में वक्फ़ा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुराक, सेहत और अच्छी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और जो भी फैमिली साइज़ आप रखना चाहते हैं कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को ये तमाम तर बुनियादी जो सहूलतें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने फैमिली साइज़ को डिसाइड करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड या इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।